दोस्तों, मेरा नाम सैयद अतीक रहमान और आप देख रहे हैं 95 दोस्तों। आज हम डिटेल रिव्यू लेके आए हैं सुजुकी एपीवी के मुताबिक। ये एक सुजुकी की 7 सीटर एमपीवी कार गाड़ी है जिसके जो कि 2008-09 में आई थी और अब तक ये कंटिन्यू है। और ये काफी अच्छी गाड़ी है अगर देखा जाए इस मुकाबले में जो गाड़ियां आती हैं, जैसे कि कारवान, एवरी जैसी गाड़ियां आती हैं, उसके मुकाबले में ये गाड़ी उनसे काफी बेहतर है। और किस तरह बेहतर है मैं आज की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक कीजिएगा कि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। दोस्तों यह है सुजुकी एपीवी। सबसे पहले इसकी फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट लुक में आपको काफी बड़ी बड़ी इसकी हैलोजन लाइट्स देखने को मिल जाती थी और टर्न सिग्नल। यहाँ बंपर में आपको फोर लैंप देखने को मिलता है, ग्रिल है, बंपर इसका बॉडी कलर ही होता था, क्रोम फिनिश के बाहर ऊपर और नीचे देखने को मिलते थे, जबकि जो सुजुकी के मोनो को अटैच करती है क्रोम बार वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलती थी। यहाँ आपको बंपर के ऊपर ये लाइंस करेक्टर लाइंस वगैरह काफी वाजह दिख रही होगी। इसके अलावा बोनट के ऊपर कोई करेक्ट लाइंस नहीं है और हल्की सी ये महसूस होती है करेक्ट लाइंस है। वैसे स्लिप लुक भी हुई है काफी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको इसके बड़े बड़े से मिरर देखने को मिल जाते हैं, साइड मिरर। टर्न सिग्नल आपको फेंडर के ऊपर देखने को मिलता है, बॉडी कलर डोर हैंडल। और अलॉय व्हील की बात करें तो 15 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलते थे और दरमियान में सुजुकी का मोनो देखने को मिलता है। सस्पेंशन आप देख सकते हैं काफी अच्छी इसकी सस्पेंशन है। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर अगर मैं दिखाऊं तो इधर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एमपीवी है तो यहाँ फैब्रिक का काम किया गया है। यहाँ क्रोम आपका हैंडल देखने मिलते हैं, 4 विंडो पावर विंडो है, यहाँ से आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से मिरर में। और यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी ऊंची है तो इधर इधर उन्होंने स्टेप दिया है, मतलब यहाँ से आप पाँव रख के तब गाड़ी में एंटर हो सकते हैं। यहाँ इसकी सीट्स है जो कि मैनुअल एडजस्टेबल के साथ आती है, ये हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं है। और इसमें अगर अंदर बैठना हो तो आपको यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे इस तरह आपको इसमें बैठना पड़ता है। और अगर इसकी बात करें तो बेसिक लेवल का इंटीरियर होता है इसका, प्लास्टिक का काम है जिसमें आपको यहाँ ग्रे बेच और ब्लैक कलर का काम देखने को मिलता है। एसी वेंट सर्कल शेप में जिनके गिर क्रोम फिनिश का काम है और यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। ये इसका सेंटर कंसोल है, एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। ये साइड पर आप देख सकते हैं ग्रे कलर की बार्स है। ये आफ्टर मार्केट लगा है, इसमें FME आता है, अनलॉक एसी के कंट्रोल्स हैं। यहाँ भी आप देखते हैं सिंपल है। यहाँ ग्लव बॉक्स इसका देखने को मिलता है, बैक मैग्नेटिक मिरर, सन विजर में कोई आपको मिरर यहाँ नहीं देखने को मिलता, ना ही यहाँ यहाँ आपको एक देखने को मिलता है। जबकि इसकी बात करें तो यहाँ आपको रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है गाड़ी में। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ भी आपको हैश ट्रे देखने को मिल जाती है, 12 वाट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिल जाता है, वाटर होल्डर, स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाता है इसमें। और यह है इसका स्टीयरिंग, सिंपल स्टीयरिंग आता था इसमें, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। जबकि इसके मीटर की बात करें तो मीटर आप देख सकते हैं सिंपल एनालॉग है, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर, हॉट एंड कूल की गेज ऊपर देखने को मिलती थी। और अगर इसके मीटर को ऑन करें तो ये आप देख सकते हैं ऑन हो गया, लेकिन इसमें कोई चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि इसको मुकम्मल स्टार्ट करने पर ये गाड़ी की चीजें इसमें छोटी सी स्क्रीन यहाँ मिलती थी जो कि आपको सिर्फ बताती थी गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता, मैनुअल हैंड ब्रेक है। और जैसे कि ये 7 सीटर है तो इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर बैठना निकलना हो तो काफी अच्छी है। अगर बैक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं काफी अच्छी खासी आपको यहाँ जगह देखने को मिल जाती थी, मतलब 7 पैसेंजर आराम से कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं। इसमें भी बैठने के लिए पहले आपको यहाँ से पकड़ना पड़ता है, फिर यहाँ और फिर आप अंदर एंटर होंगे गाड़ी में। सीट्स पैनल वगैरह देखने मिलते हैं, ड्यूल एसी के साथ आता था, ये एसी वेंट्स हैं इसके। और यहाँ आप देख सकते हैं इस सीट्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके आप लेट भी सकते हैं इस गाड़ी में। और बात करें इसकी लेग स्पेस और हेड स्पेस की, तो लेग स्पेस कोई इशू नहीं है, लेग स्पेस देख सकते हैं इतनी ज्यादा आपको लेग स्पेस इस गाड़ी में देखने को मिलती है, हेड स्पेस भी कोई इशू नहीं है। और इस सीट्स को आप आगे भी कर सकते हैं, यहाँ इसके उतना लैच होता है मुझे अब मिल नहीं रहा, लेकिन ये सीट्स आगे भी हो जाती हैं। और अगर पिछली सीट की बात करें तो छठ दो तो वहां बैठने के लिए आपको इसका सीट्स को मुकम्मल तौर पर ऐसे करना पड़ता है इस तरह, और फिर आप थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको इसलिए नहीं अनफोल्ड कर रहा क्योंकि मैंने फिर बाहर निकलना, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लेग स्पेस
कोई इशू नहीं है, हेड स्पेस कोई इशू नहीं है, यहाँ देखने के लिए खिड़की जो आपको देखने को मिल जाती है, हेड रेस्ट भी देख, यहाँ भी तीन पैसेंजर बैठ सकते हैं और यहाँ भी तीन पैसेंजर बैठ सकते हैं और आगे दो, मतलब कितने हो गए, तीन तीन छः सात आठ, आठ लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। और बैक पर आपको यहाँ स्पीकर भी देखने को मिल जाता है और यहाँ रीडिंग लाइट देखने को मिलती है, बेसिक गाड़ी है, सीट बैग बैक सीट पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, एयर बैग वगैरह नहीं है इसमें, आपको सिर्फ इसमें सीट बैग वगैरह ही देखने को मिलती है। सस्पेंशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं सस्पेंशन इसकी काफी अच्छी है, यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर होती है इस गाड़ी की। और यह है इसकी बैक लुक, डबल नुमा बैक लुक है, एपी आप एक कमर्शियल गाड़ी या समझ लें एमपीवी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह की शेप होती है इसकी, बड़ी बड़ी आपको ब्रेक लाइट टर्न वर्क्स लाइट देखने को मिल जाती है, एपीवी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, सुजुकी की बैजिंग, यहाँ भी आपको ब्रेक लाइट टर्न वर्क्स लाइट देखने को मिल जाती है, बॉडी कलर बंपर है, डिफ्यूजर लगे हुए हैं, ये बैक कैमरा आफ्टर मार्केट लगा हुआ है और बूट स्पेस यहाँ से ओपन होती है, एपीवी है एमपीवी है इसलिए इसमें बूट स्पेस आपको ना होने के बराबर देखने को मिलती है, और अगर चीज को फोल्ड कर दें तो अच्छे से बूट स्पेस, और सस्पेंशन आप देख सकते हैं सस्पेंशन काफी अच्छी सस्पेंशन है, यहाँ फैब्रिक वगैरह लग गए, तो ये स्पेयर व्हील यहाँ नहीं होता इसका, इन जैसे गाड़ियों का स्पेयर व्हील हमेशा यहाँ नीचे दिया जाता है, ये अगर दिखाएं तो ये है इसका स्पेयर व्हील। सस्पेंशन की बात करें फ्रंट पर मैकपर्सन स्ट्रट, बैक के बैक पर पुश बीन सस्पेंशन देखने को मिलती है, ब्रेक की बात करें तो फ्रंट पर डिस्क और बैक पर ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। अब इंजन की बात करें तो कई दोस्तों को लगता है कि ये गाड़ी में आपको फ्रंट देखने को मिलता है, या जैसे कि फ्रंट है तो इंजन यहाँ ही होगा, लेकिन सच बात बताऊं तो ऐसा नहीं है, इधर आपको सिर्फ फ्लूइड वगैरह और टूल किट यहाँ देखने को मिलती है गाड़ी की, इंजन यहाँ नहीं होता। इंजन इस तरह की गाड़ियों का जैसे कि एपीवी एवरी वगैरह में होता है, उसी तरह इसका भी इंजन इस सीट्स के नीचे होता है, ड्राइवर सीट्स के नीचे होता है, जहां आपको आप अगर इसको ऊपर करें इसको तो यहां आपको दो लैच दिख रहे होंगे, जिसको आपने इस तरह अन, तो इस सीट्स के नीचे इसका इंजन होता है, यहाँ आपको दो लैच देखने को मिलते हैं, इनको आपने अनलैच करना है और सीट्स को जैसे ही आप यहाँ से उठाएंगे तो ये इंजन है इसका। इसमें आपको 1600 सीसी का इनलाइन फोर सिलेंडर डुअल से 16 वाल्व्स वाला इंजन देखने को मिलता है, पावर अच्छी खासी ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है और इसमें आपको टॉर्क भी अच्छा सा देखने को मिलता है। यहां तक मैं बता सकता हूँ कि इस गाड़ी के साथ मैंने होंडा सिविक को टक्कर दी थी और मैं जीत गया था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी पावर है गाड़ी में। दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू एपीवी के मुताबिक, अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो मुझे इससे की अच्छी लगती है और मुझे ये पसंद भी है। इसकी पावर बहुत अच्छी है, इस कंफर्टेबल गाड़ी है, आप जितना मर्जी लॉन्ग पर जाएं इसमें आप बंदा थकता नहीं है, और इसके अलावा आप 8 पैसेंजर इजीली बिठा सकते हो, बहुत कंफर्टेबली तौर पर वो बैठते हैं। अब बुरी चीजें क्या लगी थी कि 2008 में ये गाड़ी आई थी और तब इसकी प्राइस 9 से 10 लाख के बीच में थी, और तब मैंने जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम देखी तो मैं कहता था कि इस प्राइस में इस तरह की गाड़ी बेस्ट चॉइस है पाकिस्तान में। फिर इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 12, 14, 15, 18, 20 और यहां तक 24 लाख तक भी ये गाड़ी गई, और 24 लाख की प्राइस में भी मैं ये कहता रहा तब भी ये वैल्यू टू मनी गाड़ी थी, क्योंकि ये उस वक्त के लिहाज से काफी कंफर्टेबल और जैपनीज कार थी, मुकम्मल सीबीयू यूनिट आता था, मतलब बाहर से इंपोर्ट होकर ये गाड़ी आती थी, लेकिन इन्होंने हद तब खत्म की, सुजुकी वाले ने हद कर दी जब इन्होंने प्राइस बढ़ा दी 25 लाख से ये प्राइस तजावज कर गई, जबकि यहाँ 28 लाख तक गई, फिर 32 लाख पर, और फिर ये गाड़ी 35 लाख तक भी गई। ये गाड़ी की 35 लाख प्राइस जब होगी तो तब ये गाड़ी किसी भी एंगल से सर्वाइव करने के काबिल नहीं रही मार्केट में, क्योंकि इतनी हाई प्राइस के ऊपर इस गाड़ी को लेने का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन हद तो तब खत्म हुई जब सुजुकी ने इस गाड़ी में रातों रात एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तकरीबन पूरे 11 लाख का इजाफा किया, मतलब 35 लाख से ये गाड़ी सीधी 46 लाख पर गई, 46 लाख पर ये गाड़ी चलेगी, और तब इन्होंने इसकी प्राइस बढ़ाई और कहा हम सीबी यूनिट ला रहे हैं लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं सुजुकी से एक ही सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने इसमें लैंड क्रूजर V8 का इंजन दे दिया है कि आपने एक रात में 11 लाख कीमत बढ़ाई थी? अब जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है तो इसकी प्राइस 65 लाख तक भी पहुंच चुकी हुई है,
इस प्राइस के हवाले से बात करें तो वैल्यू टू मनी प्राइस में नहीं है। हाँ, अगर आप यूज गाड़ी ये लेना चाहते हैं, यूज गाड़ी में ये बेस्ट चॉइस है आज भी पाकिस्तान में। दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू एपीवी के मतलब, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप ये गाड़ी किराए पर लेना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं, तो जिनार रेंट ए कार पर यह गाड़ी अवेलेबल है, उनका नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से नंबर मिलाकर इनसे बुकिंग करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं बुकमी से। दोस्तों ये था हमारा रिव्यू, यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।